खोरी महुआ अनुमंडल कार्यालय सभागार में होली और शबे बारात को लेकर खोरी महुआ SDM धीरेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। इस मौके पर SDPO मुकेश कुमार महतो सहित अनुमंडल क्षेत्र के BDO, CO, थाना प्रभारी, OP प्रभारी, चिकित्सा प्रभारी, विद्युत अभियंता, जनप्रतिनिधि, शांति समिति सदस्य समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान उपस्थित लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में होने वाली समस्याओं से पदाधिकारियों को अवगत कराते हुए होली और शबे बारात त्यौहार को शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की बात कही। इस दौरान पदाधिकारियों ने DJ, साउंड, फोफड़ और सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले गाने और शराब बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहने की बात कही। साथ ही कहा कि असामाजिक तत्वों पर और हुड़दंगियों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। माहौल को बिगाड़ने वालों को किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देते हुए किसी तरह की सूचना मिलने पर प्रशासन को इसकी जानकारी देने की बात कही। होली त्योहार को लेके आज होली को लेके अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि, जिला परिषद के सदस्य, सभी राजनीतिक दल के नेतागण, हमारे सभी अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ साथ सभी थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर, हमारे SDM साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सभी ने ये निर्णय लिया कि पर्व का त्यौहार शांतिपूर्वक मनाया जाए। हम लोग अपना तैयारी में पूरे अनुमंडल क्षेत्र में जो है कैसे इसका होली को संपन्न कराया जाए अच्छे ढंग से, इसके लिए फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। सभी थाने में शांति समिति की बैठक हो रही है। आने वाले लगातार 2-3 दिनों तक प्रत्येक होली को लेकर के आज शांति समिति की बैठक रखी गई थी। अनुमंडल क्षेत्र के सभी थानों के थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर, BDO, CO, साथ में SDPO से आप भी उपस्थित रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि हर क्षेत्र में हम लोग अपनी उपस्थिति को दर्ज कर सकें। फ्लैग मार्च होगा, दंडाधिकारियों की, पुलिस के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति होगी। आमजनों से भी अनुरोध होगा कि वो शांतिमय ढंग से शबे बारात और होली दोनों पर्व को जो एक साथ है उसे मनाने का काम करेंगे। किसी भी व्यक्ति को कष्ट न हो, इसके लिए पुलिस अपना काम करेगी। किसी तरह की अफवाह की बात अगर आती है तो सबसे पहले पुलिस के पदाधिकारियों को, अनुमंडल पदाधिकारी, थाना प्रभारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचना दी जाए। अफवाहों पर न ध्यान दिया जाए, कोई भी कंटेंट ऐसा न डाला जाए जिसकी सत्यता को आप प्रमाणित नहीं